तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 99 पर। तो आज के इस वीडियो में जो हम हैं, हमारा घर हमारा विद्यालय जो आपको प्रयास पुस्तिका आपके स्कूल से मिली हुई है 6 से लेकर 8 तक, इस वीडियो में हम आपको प्रोजेक्ट का नंबर इसका जो है 8वां यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर करवाने वाले हैं। ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट का नंबर 8वां है इसको जो है हम प्रोजेक्ट कम्प्लीट इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम ले चलते हैं आपको प्रोजेक्ट का नंबर 8वीं की तरफ। तो चलिए गाइस, हम आपका प्रोजेक्ट का नंबर 8वां डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कराना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो में बने रहिए, जल्दी से बस आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो ये रहा गाइस आपका प्रोजेक्ट का नंबर 8वां। तो इसको हम जो है इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक करके बस आप लोग चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है। तो हेयर इज अ लिस्ट ऑफ डू एंड डोंट्स एंग्री अरेंज देम इन द टू कॉलम्स गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर पूछा गया है तो नीचे दी गई करने योग्य व ना करने योग्य बातों को दिए गए स्थान पर लिखें। यहाँ पर तो आपके 10 यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। और जो यहाँ पर तो यहाँ पर आपके डू वाले सेंटेंस है उसको डू में लिखना है, और जो डोंट्स वाले हैं वो उसमें डोंट्स वाले में लिखना है। तो यहाँ पर तो फर्स्ट हमारा पूछा है ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। तो ये जो है आपके बिल्कुल यहाँ पर तो बिल्कुल सही वाक्य है। ठीक है, तो इसको डू वाले में लिखना है। दूसरा पूछ गया व्हाइट नेल्स, तो ये जो गलत है आपका। और तीसरा है टेक वाथ एवरी डे, बिल्कुल सही बात है, मतलब हमें ठीक है बस। तो ये जो है हमें यहाँ पर इस वाले में लिखना है। और चौथा है आपका ठीक है डू वाले में लिखना है। चौथा है आपका वॉश अवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर, बिल्कुल सही काम है ये। ठीक है, और पाँचवा है आपका कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड। ठीक है, तो ये जो है आपको ठीक है ये जो है आपको लिखना है यहाँ पर डोंट्स वाले में। ठीक है, डोंट्स वाले में यहाँ पर इसको लिखना है। छठवां है आपका इसको स्प्लिट हेयर एंड थ्री, तो इसको जो है हमें छठवें वाले को भी यहाँ पर डोंट्स वाले में लिखना है। ठीक है, यानी कि इसको जो ये जो है रॉन्ग यानी कि गलत। और यहाँ पर इसको 7 है ट्रू वेस्ट पेपर एवरी वेयर, तो ये जो ये भी हमें जो है यहाँ पर डोंट्स वाले में लिखना है यानी कि रॉन्ग वाले में। ठीक है, और 8वां है आपका पुट अवर फिंगर एंड ड्रिंकिंग वाटर, तो ये भी जो है हमें यहाँ पर गलत वाले में लिखना है। ठीक है, डोंट्स वाले में। और ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट हैव कट नेल्स एंड हेयर, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है। एंड 10th है क्लीन रूम एवरी डे, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ें हमारी करने योग्य हैं वो डू में लिखना है, और जो डोंट्स यानी कि जो करने योग्य नहीं है जो गलत चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर इसमें लिखना है। ठीक है, डोंट्स वाले में। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है वाइट ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आपको लिखना है फर्स्ट वाले में। ठीक है, फर्स्ट वाले में लिख देना है। ठीक है, और दूसरा है आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका टेक बाथ एवरी डे, यानी कि तीसरा आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है टेक बाथ एवरी डे, तो इसको जो है आपको डू वाले में ही लिखना है। ठीक है, और चौथे वाले को भी आपको यहाँ पर डू वाले में लिखना है। यहाँ पर चौथा वाला भी आपको डू वाले में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद 9वां वाला आपको और 10वां वाला डू वाले में लिखना है। ठीक है, 9वां और 10वां आपको डू वाले में लिखना है। बाकी जितने सारे बचे हुए हैं वो आपको डोंट्स वाले में लिखना है। जैसे कि आपका जो है वाइट नेल्स, ये जो है आपको डोंट्स वाले में लिखना है। ठीक है, 5वां 6वां 7वां 8वां। ठीक है, 5वां 6वां 7वां 8वां ये जो है आपको डोंट्स वाले यानी कि गलत वाले इस वाले बॉक्स में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस वाले बॉक्स में, तो ये जो है आपका हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये जो हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ धीम, किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाई और प्रत्येक के बारे में 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो सबसे पहला मैंने जो चित्र चिपकाया है वो है महात्मा गांधी जी का, तो आप लोग यहाँ पर चिपका लीजिए इनका चित्र, यहाँ पर आप लोग बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है महात्मा गांधी जी की जो पिक्चर है वो यहाँ पर चिपका दी है। अब इनकी हमें जो 4 लाइन इनके बारे में लिखना है। सबसे पहला लाइन है यहाँ पर महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है इस प्रकार से ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 1869 में जो है इनका जो है जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है हिज फादर इज करमचंद गांधी, इनके जो पिताजी का नाम था क्या था, करमचंद गांधी। ठीक है, इनके पिताजी थे करमचंद गांधी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ही वॉज इंडियन मैन, यानी कि जो है ये इंडिया के ही जो है
मैन यहाँ पर थे, ठीक है। तो ये जो है हमारे महात्मा गांधी जी के बारे में जो चार लाइन लिखनी थी, यहाँ पर तो चार पंक्तियाँ, तो वो हमने यहाँ पर लिखवा दी हैं। उनकी जो फोटो भी यहाँ पर हमने जो है चिपका दिए, तो आप लोग अपनी बुक पे भी यहाँ पर चिपका लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारे हैं, ठीक है, इसके बाद हमने, ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी जी का यहाँ पर चिपका दिया था। इसके बाद है ये जो है हमारे, ठीक है, इसके बाद हमने जो है आपका नेक्स्ट जो फोटो चिपकाया हुआ है वो हमने जो है जवाहरलाल नेहरू जी का जो है यहाँ पर चिपकाया हुआ फोटो। तो इनके बारे में भी हमें जो है चार लाइन यहाँ पर लिखनी हुई है, तो लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है इस प्रकार से, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर थे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमने जो है आपका ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनकी जो फोटो भी यहाँ पर चिपका दी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, ही वॉज ऑन इंडियन फ्रीडम फेदर, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, ही वॉज वॉर्न ऑन द 14 नवंबर 1889, यानी कि 1889, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889। चौथा पॉइंट आपको लिखना है, ही हैड मैरिड कमला नेहरू, ठीक है। इनकी जो शादी है वो कमला नेहरू से हुई थी, ठीक है। तो ये जो है हमने इनके बारे में चार चार लाइन यहाँ पर लिख दी है। अब हमने जो नेक्स्ट फोटो यहाँ पर है वो हमने चिपकाई है अपने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में भी हम चार लाइन यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट आपको लाइन लिखना है, ही वॉज बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 में। इसका दूसरा हमें पॉइंट लिखना है इनके बारे में, ही वॉज बॉर्न इन अ फार्मर फैमिली, यानी कि इनका जन्म, ठीक है, एक जो है फार्मर की फैमिली में ही हुआ था। इसका तीसरा पॉइंट हमें लिखना है, हिज फादर नेम वॉज यहाँ पर आप जयवीर भाई, ठीक है, जयवीर भाई इनके फादर का नेम था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है, हिज मदर नेम वॉज लडवा, इनकी जो है माता जी का नाम था, ठीक है। तो ये जो इनके बारे में हमने चार पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जो हमने नेक्स्ट जो फोटो चिपकाई है वो है APJ अब्दुल कलाम जी की, ठीक है। तो इनके बारे में भी यहाँ चार लाइन लिखना है, तो चलिए गाइस इनके बारे में भी हम जल्दी से यहाँ पर चार लाइन यहाँ पर लिखवा देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, He was born on on the 15 अक्टूबर 1931, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931। इनके बाद हमें दूसरा यहाँ पर इनके बारे में पॉइंट लिखना है, ही हैड बॉर्न इन रामेश्वरम तमिलनाडु, ठीक है। इनका जन्म जो है तमिलनाडु के, ठीक है, एक शहर रामेश्वरम में इनका जो है जन्म यहाँ पर हुआ था। और तीसरा पॉइंट है आपका, ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और चौथा पॉइंट है आपका, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक है। तो इनके बारे में हमने जो है यहाँ पर इनके बारे में भी चार लाइन यहाँ पर लिखवा दी हैं, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा जो आपका कार्यपत्रक आठवां है, ये भी जो है मैंने आपको जो है कम्प्लीट यहाँ पर करवा दिया है, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट जो आपका कार्यपत्रक नौवां है, इसको भी हम आपको जो है कम्प्लीट यहाँ पर करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करके गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लेना, और प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लो प्लेलिस्ट, ठीक है। वहाँ पर मैंने हमारा घर हमारा विद्यालय का पूरा यहाँ पर सॉल्व यहाँ पर जो है करवा दिए, मैंने अपने चैनल पर डाल दिए पूरी की पूरी बुक। तो प्लेलिस्ट आप लोग जाकर यहाँ पर चेक यहाँ पर कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।